हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मेरे नाम है मुबशिर। क्या हो गया यार? तो यार पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। आज की वीडियो का टाइटल ही ऐसा कमाल है कि मैं इस तरह अजीब बौखलाहट में का शिकार हो गया हूँ। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारतीय रुपए और यूपीआई ने तोड़े रिकॉर्ड, अब पूरी दुनिया यूपीआई के बाद लेगी ये। मतलब भारतीय रुपया और यूपीआई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए। पहले सारी खबर सुनेंगे, बाकी बातें हम आखिर पे करेंगे। दोस्तों, हाल ही में भारत की डिजिटल करेंसी ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसके बारे में आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर भारत के डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आई है। एक बार फिर से भारत और रशिया ने अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाया है। जब जब भारत और रूस एक हुए हैं, तब तब अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज में खलबली मची है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की हमारी दोनों इन दिलचस्प खबरों के बारे में विस्तार से चलिए समझते हैं। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पिछले साल दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से डिजिटल करेंसी की दो कैटेगरी को लॉन्च किया गया था, CDBCW और CDBCR। सरल भाषा में समझे तो होलसेल करेंसी और रिटेल करेंसी के रूप में दो तरह की डिजिटल करेंसी को RBI ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च किया था। दोस्तों, अपनी इसी सुविधा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए RBI ने इसे और आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। इसका फास्ट फेज 5 शहरों के 8 बैंकों तक सीमित रखा गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसे अब 9 और शहरों के 5 बैंकों में लॉन्च किया जाने वाला है। जिन बैंकों में ये सुविधा आने वाले वक्त में उपलब्ध होगी, उनका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक और इंडस बैंक। वहीं पर जिन शहरों में ये सुविधा शुरू होने वाली है, उनका नाम है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और उसके बाद अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्ची, लखनऊ, पटना और शिमला तक इसे एक्सटेंड किया जाएगा। फिजिकल करेंसी डिजिटल करेंसी का ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। ये पूरी तरीके से सिक्योर और इजी टू यूज होती है। डिजिटल करेंसी के इस तरह से एक्सटेंड होने के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी को काफी ज्यादा मजबूत करेगा। दूसरा, आपको जेब में कैश लेकर चलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि चोरी का खतरा कम हो जाएगा। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इससे पेमेंट भी किया जा सकता है, यानी कि इसे इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। डिजिटल मनी को आसानी से किसी और फॉर्म में, जैसे कि बैंक करेंसी या कैश के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस डिजिटल करेंसी के जरिए विदेशों में पैसा भेजने की लागत में भी काफी कमी आएगी। साथ ही साथ हमारा ई रुपए की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर हो जाएगी। दोस्तों, भारत का UPI ऑलरेडी दुनिया के कई सारे देशों में अपनी जगह बना चुका है। इसके अलावा भारत रुपए में पेमेंट भी करने के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें 18 से ज्यादा देशों के साथ भारत वोस्त्रो अकाउंट खोल चुका है। वहीं पर अब डिजिटल करेंसी जिस तरह से पॉपुलर होता जा रहा है, आने वाले समय में UPI की तरह ही डिजिटल करेंसी भी काफी सारे देशों में इस्तेमाल की जाएगी। और इस क्षेत्र में भारत का इस समय एक तरफा राज है, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आई है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि इंडिया और रशिया की कंपनी एक साथ मिलकर डिफेंस के एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाली है। हालांकि UAC चाइना की कॉमेक के साथ ऑलरेडी एक ज्वाइंट वेंचर पर काम कर रही है। UAC यानी यूनाइटेड एविएशन कॉरपोरेशन, इस कॉरपोरेशन के अंदर रशिया के कई सारे एविएशन कंपनी आती है, जिसमें सुखोई, टुपेलेव, मिकोयान जो कि मिग एयरक्राफ्ट बनाती है, इल्यूशिन और इरकुट का नाम शामिल है। इससे पहले 2006 में UAC ने सक्सेसफुली काफी सारे रीजनल जेट और एयरबस A320 और बॉइंग 737 को टक्कर देने वाले पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स को भी बनाकर तैयार कर लिया है, जिसे फिलहाल दुनिया के सामने पेश नहीं किया गया। युद्ध के बाद चाइना और इंडिया को भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करके अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए हुए है। ऐसे में भारत के साथ जहां उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तो वहीं चीन के साथ उसके संबंध और भी ज्यादा गहरे हो रहे हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जैसा कि हमने आपको बताया कि एयरलाइनर का प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, जिसे अभी फिलहाल ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। तो ऐसे में अगर एक और प्रोजेक्ट अंडर वे है, तो आखिर क्यों एक और नया प्रोजेक्ट रशिया भारत के साथ शुरू करना चाहता है? तो इसका जवाब है जियोपॉलिटिक्स। जी हाँ, आपको बता दें कि जब से रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू किया, तब से अमेरिका, जो ऑलरेडी चाइना का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, वह हर तरीके से रशिया की इकोनॉमी को गिराने में भी लगा हुआ है। स्विफ्ट पेमेंट मेथड से बाहर कर देना, रूस के साथ सारे ट्रेड रिलेशन खत्म करना और साथ ही साथ ज्यादा
से ज्यादा सैंक्शन रूस के ऊपर थोप देने की वजह से रूस का काफी बड़ा नुकसान हुआ और उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, रशिया के डिफेंस सेक्टर पर भी इसका काफी असर पड़ा था। रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट को तैयार करने के लिए कई सारे कंपोनेंट्स को वेस्टर्न कंट्रीज से इंपोर्ट किया जा रहा था। जैसे ही वेस्टर्न नेशन ने रूस के साथ अपने सारे ट्रेड रिलेशन खत्म किए तो रूस का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बर्बाद हो गया। इसीलिए अपना ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे चीन पर निर्भर होना पड़ा। यूएसी ने चाइना के कॉमेक के साथ एक जॉइंट वेंचर पर साइन किया था। ये दोनों ही मिलकर एक वाइड बॉडी एयरलाइनर को 2030 तक तैयार करने वाले हैं। इसी वजह से आज के डेट में पूरी दुनिया के सामने रशिया को चाइना का जूनियर पार्टनर कहा जाता है, जिस वजह से अपनी इस पहचान को बदलने के लिए रूस भारत के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। भारत ऑलरेडी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और काफी सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर रूस और भारत के बीच में चल रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर का नाम सबसे पहले आता है। इसी के चलते रूस एक बार फिर से भारत की कंपनियों के साथ मिलकर आधुनिक एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है। ऐसे में दोस्तों, रूस के साथ मिलकर क्या भारत को एयरक्राफ्ट के लिए जॉइंट वेंचर के तहत काम करना चाहिए नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को भारत को हर कंट्री के साथ इस टाइम काम करना चाहिए। भारत ने पूरी दुनिया में अब एक न्यूट्रल देश की तरह चल रहा है, तो भारत को किसी का डर नहीं। इंडिया, मैं कहता हूँ हर एक कंट्री से तो खैर नहीं, रशिया के साथ स्पेशली काम करना चाहिए क्योंकि बहुत भरोसेमंद साथी है। क्योंकि इंडिया अपना भी देखो, तुम्हें पता है, एमगा भी बना रहा है इंडिया अपने, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। तो मेरी नजर में अगर देखा जाए ये अच्छा मौका है इसके लिहाज से, एयरक्राफ्ट बना रहा टेक्नोलॉजी भी अच्छा है, टेक्नोलॉजी को भी काफी फायदा होगा और इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो इंडिया दूसरे देशों से खरीद सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी है, दूसरे देशों से खरीद कर, अगर जो नहीं भी है ना वो खरीद कर उनके साथ मिलकर बना सकता है, ये काम रशिया नहीं कर सकता। मेरी बात समझ गया तो काफी मतलब और भाई अगली बार यूपीआई की, यूपीआई ने तो यार मैं कहता हूँ झंडे गाड़ दिए। आज मैं पता नहीं, आज के कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था यार, मुझे ऊपर से नजर मेरी वैसे दौड़ी है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, वैसे सच्ची बात बताऊं यूट्यूब पे भी नहीं देखा, लेकिन मैं न्यूज ट्विटर पे पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया के 90% जो ट्रांजेक्शन डिजिटल जो पेमेंट है वो इंडिया कर रहा है। इंडिया कर रहा है 80-90% इतना ज्यादा डिजिटलाइज हो गया कि पूरी दुनिया हैरान हो रही है कि जिस कंट्री को हम अंडर एस्टिमेट करते थे, जो कंट्री हम उसको कुछ समझते नहीं थे, आज वो सबका बाप बना हुआ है डिजिटल करेंसी के मामले में। ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन सिर्फ इंडिया ने की है, सिर्फ कितने ट्रिलियन डॉलर्स की भारत मतलब कर रहे ट्रांजेक्शन। इस बात से आइडिया लगा तो तुम फिर किस लेवल पे चले। जो देश भारत को कम समझते थे कि ये नई टेक्नोलॉजी ला ही नहीं सकता, भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है दुनिया हिल गई। अच्छा, इंडिया जो भी अभी नई यूपीआई के बाद जो जो चीजें ला रहा है ना, वो इतनी तेजी से फैलती जा रही है, इंडिया में इतनी तेजी से फैलती जा रही है कि उनको दूसरे शहरों तक बढ़ाना पड़ गया। अब कुछ इस तरह ये नया मतलब वहाँ पर भी अभी ये नई चीजें आना स्टार्ट हो गई है, नई अपडेट सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा। तो ये चीजें गाइस, आप में आप लोगों से क्वेश्चन है कि कौन कौन यूपीआई यूज नहीं करता, ये कॉन्वर्सेशन था। हम कहते हैं कौन नहीं यूज करता, कौन होता है, और बटुए वॉलेट और पैसे रखना किसने छोड़ दिए वो भी बताइए। मेरे कितने दोस्त हैं वो अभी भी बोलते हैं कि हमने काफी टाइम से अपना वॉलेट जो है ना अपना छोड़ दिया। आपका गाइस क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार